डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल जारी हो गए हैं दोस्तों। आज 29 तारीख को जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति, आपको कल सुबह यानी आज सुबह के जो पेपर है उस न्यूज़पेपर उसमें भी मिल जाएगा और इसके साइट में भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं टाइम टेबल है ना कक्षा 10वीं और 12वीं का। हायर सेकेंडरी यानी होता है कक्षा 12वीं, इसका जो परीक्षा है 2 मार्च से स्टार्ट होगा जो कि 30 मार्च तक चलेगा। समय सुबह 9 से 12 बजे तक। इसी प्रकार हाई स्कूल यानी होता है कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं का जो है 3 मार्च से स्टार्ट होगा, 23 तारीख तक चलेगा और इसका भी सुबह 9 से 12 है। तो एक एक करके टाइम टेबल देखते हैं आइए, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोगों को पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हायर सेकेंडरी, मैंने बता दिया कि हायर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं का समय सारणी देखिए, नोट कर लीजिए, ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए है। देखिए अलग अलग टाइम टेबल नहीं होता, जिस दिन रेगुलर वाले का होगा उसी दिन उसी समय पर प्राइवेट वालों का भी होगा। देखिए समय को समझते जाइए, 9 बजे आपको जाकर वहाँ पर बैठ जाना है, यानी कि आपके सेंटर पर जहाँ भी एग्ज़ाम होगा आपका। उसके बाद उत्तर पुस्तिका आप लोग को दिया जाएगा 9:05 को। अध्ययन के लिए प्रश्न पत्र जो है 9:10 में देंगे। उत्तर लेखन कार्य जो है आप 9:15 को आप लिखना शुरू कर देंगे और जो कि 3 घंटे तक चलेगा, 12:15 तक चलेगा। तो ये तो हो गया समय का विवरण। आपको यानी 8:30 बजे अपने सेंटर पर जाकर खड़े हो जाना है और रूम में बैठने का समय है 9 बजे। एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए 2 मार्च को हिंदी पेपर है, प्रथम भाषा का मतलब हिंदी विशिष्ट 001 जो लिखा हुआ है वही है 001, यानी हिंदी का पहला पेपर है, ठीक है। इसके बाद 4 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है ना, यहाँ पर डबल हिंदी अंग्रेजी विशिष्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है उसको समझ लीजिए, जो हिंदी विशिष्ट पहला वाला लिखा है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना, और जो सामान्य हिंदी लिखा है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब यहाँ पर जो अंग्रेजी 020 लिखा है वो हिंदी मीडियम के लिए है और अंग्रेजी विशिष्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है ना। उसके बाद 7 तारीख को नवीन पाठ्यक्रम गणित का पेपर है, जिन लोग अभी एग्जाम दिला रहे हैं नवीन का गणित का, ठीक है। बुधवार 9 तारीख को इतिहास होगा, आर्ट वालों के लिए इतिहास है ना, साइंस वालों के लिए भौतिक है और कॉमर्स वालों के लिए व्यवसाय अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद शुक्रवार 11 मार्च को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का है, अर्थशास्त्र कॉमर्स वालों का है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे लिखे हुए एलिमेंट ऑफ साइंस है ना, एलिमेंट्स ऑफ एनिमल ऐसा करके लिखा हुआ है। इसके बाद 14 तारीख को वाणिज्यिक गणित है, ये आप लोगों का नहीं है ये बुधवार। 16 मार्च को नवीन पाठ्यक्रम भूगोल, पुराना पाठ्यक्रम भूगोल दोनों का एक साथ है ना। मंगलवार 22 तारीख को यहाँ पर इसमें नहीं है आप लोगों का, ठीक। 24 मार्च को राजनीति है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है और अकाउंट है, ठीक। बाकी जो है वो वोकेशनल कोर्स वालों के लिए होता है, वोकेशनल का भी एक साथ दे दिया है इसमें। अब यहाँ पर 25 मार्च को है समाजशास्त्र मनोविज्ञान, ठीक है, इसका है। तो इस प्रकार यहाँ 25 तारीख तक सारे सब्जेक्ट आपके समाप्त हो जाते हैं। ये बाकी जो है अदर सब्जेक्ट वालों के लिए है, जिन लोग और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होते हैं उनके लिए है। ये हो गया कक्षा 12वीं का। अब देखते हैं कक्षा 10वीं का, हाई स्कूल यानी 10वीं। समय सारणी वही है, 9 बजे से स्टार्ट होगा, 12:15 बजे समाप्त हो जाएगा। पहला पेपर हिंदी है, देखते जाइए हिंदी, मैं बोलते जा रहा हूँ उसको सुनते जाइए। 3 मार्च को हिंदी है, 5 मार्च को अंग्रेजी है, ठीक है। 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान है, 10 मार्च को विज्ञान है ना। इसमें देखिए गैप भी मिला है आपको, 1 दिन का गैप मिला है, इसमें 2 दिन का गैप मिला है, इसमें भी 2 दिन का गैप मिला है।
अब यहाँ पर 12 मार्च को आप लोगों का पेपर नहीं है, जिन लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होते हैं ना, वोकेशनल व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिखा है उन लोगों के लिए है, आपका नहीं है 12 मार्च वाला, ठीक है। अब 15 मार्च को लास्ट जो है, लास्ट नहीं है, बचा हुआ एक गणित है, और 21 मार्च को आपका संस्कृत है ना। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा गैप मिला हुआ है संस्कृत के लिए, है ना। तो 6 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यह हो गया कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के टाइम टेबल एक साथ। अब इसके बाद है ना, आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है वो तो 10 मार्च से 30 तारीख 30 जनवरी के 10 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य होना है, ठीक है। वो तो आपके स्कूल में बताया जाएगा इस डेट में होगा, उस डेट में आप लोग अलर्ट रहे, है ना, और ताकि वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दिला सके। प्राइवेट वालों का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो जो है ना, जिस समय पेपर होगा उसी समय आपको टाइम टेबल बताया जाएगा,